वचन में आपके उदारता दिखाई दे, आपके वचन में नम्रता दिखाई दे, आपके वचन से कोई डाउन ना होए, आपके वचन से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आप मिलें किसी को तो आपकी स्माइल से दूसरा खुश हो जाए, तो ऐसा वचन करना और कर्म भी ऐसे करना, जितने अच्छे कर्म हो सकें। कभी फिर भी गलती हो गई, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तो जितनी जल्दी हो सके उस गुस्से को शांत कर लेना, उस व्यक्ति से माफी मांग लेना। जैसे भी जो साधक होता है उसका गुस्सा बहुत टेम्परेरी होता है, किसी के भले के लिए भी आता है, तो भी उसको प्यार से समझाना। इसके बाद आपकी साधना पूरी होगी,